नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य रत्न तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमूल्य तिवारी करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, आप सब जिस तरह मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप सबको धन्यवाद। दोस्तों, और भी लोगों के पास मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि जिनको नहीं पता है कि मैं उन लोग के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो डेली करंट अफेयर लेके आता हूँ उन सब लोगों को पता चले और वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सके। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य सचिव के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, मुख्य सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों वो हैं पी के सिन्हा। दोस्तों, ये था मेरे कल के क्वेश्चन का जवाब। आइए बढ़ते हैं आज अपने क्लास की तरफ, अपने 10 करेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किनको माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। जी हाँ, किनको माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसमें उसके जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। जी हाँ, राजीव कुमार को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं दोस्तों वो कौन है, वो है सत्या नडेला। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन यूएसए में। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों तो वो है आपका वाशिंगटन यूएसए में। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया है। जी हाँ, हाल ही में भारत के किस स्टैंड में विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया है, तो दोस्तों वो बनाया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। जी हाँ, अरुण जेटली स्टेडियम में बनाया गया दोस्तों। तो अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, तो ये है दिल्ली में। आप जानते हैं कि फिरोज शाह कोटला का नया नाम जो रखा गया है वो है अरुण जेटली स्टेडियम। हमारे भारत के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व फाइनेंस, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पे ये इस स्टेडियम का नाम रखा गया, अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की सूची में लगातार चौथी बार दुनिया का नंबर एक विश्वविद्यालय कौन बना है। जी हाँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की सूची में दुनिया का लगातार चौथी बार नंबर वन का विश्वविद्यालय कौन बना है, तो दोस्तों वो बना है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार चौथी बार नंबर वन की रैंकिंग मिली है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंक में। दोस्तों, ये रैंकिंग कौन देता है, तो ये देता है THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन। जी हाँ, THE आपका टाइम्स हायर एजुकेशन जो है ये वर्ल्ड रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रदान करता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो जनरली ये दिवस वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा खासकर जो बैंक के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि आज है हमारा 14 सितंबर और हर एक 14 सितंबर को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। दोस्तों आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में कौन वाइट बॉल क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। जी हाँ, वाइट बॉल क्रिकेट में पहली बार हैट्रिक लेकर किस महिला ने इतिहास रच दिया है, तो दोस्तों वो हैं मेगन सट। जी हाँ, मेगन सट ने ये कारनामा किया और ये किस देश से दोस्तों, तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वहाँ पे जो करेंसी चलती है उसको हम डॉलर कहते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। जी हाँ, स्कॉट मॉरिसन जो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है अस इंडेक्स। जी हाँ, अस से आप ऑस्ट्रेलिया और इंड से होता है दोस्तों इंडिया, तो अस इंडेक्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सैन्य अभ्यास भी है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस शहर में पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित हुआ। जी हाँ, भारत के किस शहर में पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित हुआ है, तो दोस्तों वो हुआ है देहरादून में। जी हाँ, देहरादून में हुआ है। दोस्तों आप जानते हैं कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तराखंड के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। जी हाँ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और जो वहाँ की गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। जी हाँ, उत्तराखंड की गवर्नर दोस्तों बेबी रानी मौर्य हैं और जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र रावत। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक दिवस और मैंने इसमें ऐड किया है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। जो सुसाइड के केसेस ज़्यादा हुए हैं और जो सुसाइड ज़्यादा होता है उसी चीज़ को, आत्महत्या को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों कल मुझसे कमेंट में आया था कि मैं ये बताऊँ जनगणना भारत में पहली बार कब हुई थी, इस क्वेश्चन को मैं लेके आऊँ, तो
दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1872 में। उस समय जो अंग्रेज के गवर्नर थे वो थे लॉर्ड मेयो, इन्हीं के टाइम में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन दोस्तों वो टेम्प्रोरी थी, परमानेंट जनगणना नहीं थी, वो अस्थाई थी। जो परमानेंट जनगणना हुई थी यानी परमानेंट जो अस्थाई रूप से जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के, जी हाँ वायसराय लॉर्ड रिपन के ये काल में हुई थी। 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी और तब से हर बार हर 10 साल बाद हम जनगणना मनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए अपने ह्यूमनॉइड इंसान जैसे रोबोट फेडर की सेवा समाप्त कर दिया। जी हाँ, किस देश ने अंतरिक्ष में भेजे गए ह्यूमनॉइड यानी इंसान जैसे रोबोट जिसका नाम फेडर है की सेवा समाप्त कर दिया, तो दोस्तों वो है रूस। जी हाँ, रूस ने इंसान जैसे रोबोट की सेवा जो है अंतरिक्ष में भेजे गए अपने इंसान जैसे रोबोट ह्यूमनॉइड फेडर की सेवा को समाप्त कर दिया है। दोस्तों रूस की बात है तो रूस की राजधानी क्या है, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है, वहाँ जो करेंसी चलती है उसको हम रूबल कहते हैं। दोस्तों कभी कभी रूस का संसद पूछ दिया जाता है, तो रूस का संसद क्या है दोस्तों, तो वो रूस के संसद का नाम ड्यूमा है, रूस के संसद का नाम दोस्तों ड्यूमा है। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि हाल ही में कितनी महिला पुलिस अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। जी हाँ, हाल ही में कितनी महिला पुलिस अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया, तो दोस्तों वो हैं 5। जी हाँ, 5 महिला पुलिस अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित किया है। दोस्तों यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। जी हाँ, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। जी हाँ, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों वो हैं एंटोनियो गुटेरस। जी हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 10 करेंट अफेयर, मुझे आशा है कि आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आज मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे बताइए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके दोस्तों बताइए। नमस्कार।